नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और एचएसएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्लर्क के एग्ज़ाम, और अभी आने वाले और भी बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं एचएसएससी के। तो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजनाएँ हैं जिनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएँ हैं इसमें मैंने 25 के लगभग योजनाएँ शामिल की हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, कुछ पेपरों में पूछी भी जा रही हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको क्लियर हो जाए, इसलिए वीडियो लेके आए हो। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कब शुरू की गई? कर्मयोगी मानधन योजना, तो ये जुलाई 2019 में स्टार्ट हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना जुलाई 2019 में। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक का आर्थिक पेंशन दिया जाएगा? तो 3,000 रुपये तक की आर्थिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वर्णन अंतरिम बजट में किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था, ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्तमान में हम बात करें जो बजट की, तो बजट जो है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर अभी है, लेकिन इस योजना का जो है पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में जो है जो वर्णन किया था। क्लियर है, हम बात करें हाल ही में नए मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हुआ है, ये किन दो मंत्रालयों का विलय है? मतलब दो मंत्रालयों को मिलाकर बना है, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय, इन दोनों को मर्ज करके जल मंत्रालय बना दिया गया है, जल शक्ति के नाम से जो है मंत्रालय। जन धन योजना की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014 को जन धन खाता योजना शुरू हुई थी। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत, स्किल इंडिया मिशन 2 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट किया गया मेक इन इंडिया को, ताकि जो दूसरी की जो कंपनियां वो आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हमारे लोगों को रोज़गार मिले और हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो और उद्योग में भी हम अव्वल हों। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत है वो 2 सितंबर 2014। नेक्स्ट हम बात करें स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन के, स्वच्छ भारत की 2 अक्टूबर 2014, गांधी जी की जो गांधी जी की जन्मतिथि है 2 अक्टूबर, उसी को जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा योजना की शुरुआत है वो 8 अप्रैल 2015 को की गई थी मुद्रा योजना। उजाला योजना की शुरुआत है वो 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, और इस दिन 2015 को है उजाला योजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी अटल के साथ साथ एक साथ ही शुरू हुई, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। नेक्स्ट हम बात करें, एक और योजना थी इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो 3 योजनाएं हैं 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, तीनों याद रख सकते हैं। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई स्मार्ट सिटी। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत, तो 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया। स्टैंडअप इंडिया की शुरुआत है वो 5 अप्रैल 2016। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई, ये भी मजदूर दिवस 1 मई 2016 को। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नमामि गंगे मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत है वो 7 जुलाई 2016 को। हेरिटेज डेवलपमेंट एंड एग्जीमिनेशन योजना की शुरुआत है तो ये जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ योजना की शुरुआत जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत बोल सकते हो, इसकी शुरुआत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 25 सितंबर 2018 को, और इस योजना का जो है आंसर आपको करना है, जो हाल ही में पेश किए गए आम बजट को किसके द्वारा
तैयार किया गया, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। जो अभी आम बजट पेश किया गया ये बजट किसने तैयार किया था? निर्मला सीतारमण ने, KM सुब्रमण्यम ने, अरुण जेटली ने, पीयूष गोयल ने। तो आप कमेंट करें, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो जिनका मॉर्निंग में 23 तारीख का एग्ज़ाम है HSSC का, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम है वो अच्छे आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकाग्रता के साथ इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, आपका श्योर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।